हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो देखिए, 9th क्लास हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और हर कंपटीशन एग्जाम में आपके इस बुक में से क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। 6th से लेकर 10th तक की जो बुक्स जो हैं वो आपका बेस क्लियर करती हैं। आप लोगों को ये बुक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी होगी यदि वाकई में आप लोग जॉब लेना चाहते हो। ठीक है, तो 6th क्लास 7th 8th मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। क्वेश्चन आंसर जो है वह भी आप लोगों को करवा दिए हैं। इसके बाद हमने 9th क्लास स्टार्ट की है, तो 9th क्लास का 5th चैप्टर आपका चल रहा है, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। तो दो वीडियो जो हैं वो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में डाले जा चुके हैं, आप उनको देखिएगा। तो देखिए, हमने इस चैप्टर में ये देखा कि राजस्थान में जनता में नव चेतना और जागृति की भावना जो है वो कब पैदा होती है, 1857 की क्रांति के बाद। हालांकि 1857 की जो क्रांति है तो वह पूरी तरीके से सफल जो है नहीं हो पाई थी, लेकिन जनता में जो है नव चेतना और जागृति की भावना तो आ ही गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे जो नेता हैं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं, वो सामने निकल कर आते हैं और जनता के लिए जो है पूरे तरीके से जो है अपना समर्पण दिखाते हैं। तो इसके लिए जो है प्रजामंडल की स्थापना के बारे में सोचा गया, जहाँ पर प्रजा के हित के लिए कार्य हो सके। ठीक है, प्रजा की जो है वो भागीदारी हो, जो भी राजनीतिक कार्य होंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जो है वो जयपुर में 1931 में की गई थी, ये हमने पढ़ा। तो इसके लिए जो है जगह जगह पर जन आंदोलन हुए थे, जिसमें हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहला जो है जन आंदोलन कहाँ हुआ, जोधपुर में हुआ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था और आप लोगों को याद रखना है कि प्रजामंडल के लिए सबसे पहला जो जन आंदोलन कहाँ हुआ, जोधपुर में हुआ। फिर हमने बीकानेर में जन आंदोलन देखा, जहाँ पर महाराजा गंगा सिंह जो है उस समय थे, उन्होंने अपनी जो है प्रशंसा के लिए, अपनी ख्याति जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो अंग्रेज थे उनका साथ ही दिया था। ठीक है, जनता की ओर ज़्यादा ध्यान उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उनका जो बेटा होता है शार्दुल सिंह, तो वो जो है प्रजा के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, और शार्दुल सिंह जो है वो मंत्रिपरिषद के स्थान पर जो है एक मिला जुला अंतरिम जो मंत्रिमंडल है वो बनाने की घोषणा भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक जो है ये जारी नहीं हो पाता है। बाद में जो है कैबिनेट मिशन जो आता है तो उस समय अंतरिम सरकार जो है वह बनती है। ठीक है, और जो देसी राज्य थे राजस्थान के, इनको भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने के लिए जो है इनवाइट किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा इसी तरीके से जैसलमेर, जैसलमेर जो कि कैसा इलाका है, वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर जो है यातायात के साधन और संचार के साधन जो है उसका अभाव था, ज़्यादा विकसित नहीं थे, तो लोगों के अंदर जो है नव चेतना जो जागृति जो है वो ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है उनके पास, क्योंकि यातायात के साधनों का यदि अभाव रहेगा तो लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। समाचार पत्र के माध्यम से उन्हें जो हर चीज़ पता होनी चाहिए वो नहीं पता लग पा रही थी। ठीक है, फिर भी वहाँ के एक नेता कौन, जिन्हें हम जानते हैं सागरमल गोपा। ठीक है, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस क्षेत्र में जहाँ पर निरंकुश शासन जो है हो रहा था तो उसके विरुद्ध जो है आवाज उठाई। ठीक है, और लोगों को जो है जागृत किया। उसके बाद तो फिर भी जैसलमेर जैसे क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति होते हैं सागरमल गोपा, जिनके बारे में हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है साहस किया और वो जो शासन व्यवस्था वहाँ चल रही थी, निरंकुश शासन जो चल रहा था, उसके विरुद्ध जो है जनता को जागृत किया कि उठो और देखो और अपने हक के लिए लड़ो। ठीक है, कई बार उनको जेल में भी डाला गया था और यहाँ तक कि उन्हें जो है जेल में ही जलाकर भी मार दिया गया था। फिर एक और व्यक्ति आते हैं मीठा लाल व्यास, जो कि जैसलमेर में जो है प्रजामंडल की स्थापना हो ऐसा जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं हो पाती है, बाद में जोधपुर में जो है स्थापना करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं बीकानेर के बाद मेवाड़ में जन आंदोलन। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र जो है वो पहले ही बिजोलिया सत्याग्रह और बेंगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। तो यहाँ तो सबसे पहले ही जन आंदोलन हो चुका था और यहीं से प्रेरणा लेकर जो है वो बाकी जो राज्य होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ तक ये चीज़ पहुँचती है। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। बहुत ही आसान है याद रखना, माँ से माणिक्यलाल और माँ से ही मेवाड़ प्रजामंडल, और कब की, 1938 में। ये लाइन जो है वो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे।
ठीक है। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त थे धर्म नारायण, इन्होंने इसे गैर कानूनी संस्था जो है घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर जो है चले जाने को कहा। इस पर मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा जो है वो अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन जो है वहां रहकर करने लगे। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और उन्हें यातनाएं ही नहीं दी बल्कि मुकदमा चलाया और जेल में डाल दिया। फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया। ये देखिए ये हैं माणिक्यलाल वर्मा जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, तो इनको जेल में डाल दिया गया। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जो है माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। इस अवसर पर तो देखिए इनको जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद जो है फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक है, जो जब इसे गैर कानूनी संस्था जो घोषित कर दिया गया था तो ये जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया, तो इनको भी रिहा किया गया। और उसके बाद 1941 में प्रजामंडल का जो है पहला अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। इस अवसर पर आचार्य जेवी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित भी आईं और खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित भी और जेबी जो कृपलानी है वो इस पहले अधिवेशन में आते हैं और खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ किया गया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका कार्यभार जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। इसी प्रकार भील मीणा आदिवासियों के कल्याण का कार्य जो है वो बलवंत सिंह मेहता के सुपुर्द कर दिया गया। तो देखिए 1941 में माणिक्यलाल वर्मा को जो है रिहा कर दिया गया और जो प्रजामंडल था उस पर जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया। तो 1941 में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में और बड़ी धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर देखिए आचार्य जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी आई, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा, और खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की भी स्थापना हुई और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। इसी प्रकार भील मीणा आदिवासियों के कल्याण का कार्य जो है वो बलवंत सिंह मेहता के सुपुर्द किया गया। ठीक है, अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर से गैर कानूनी संस्था जो है घोषित कर दिया गया और इसके संबंध में नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। इसके बाद देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में आ सकती है। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सातवां अधिवेशन होता है कहाँ पर, उदयपुर में, और इसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है, तो यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर जो है सातवां अधिवेशन होता है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कहाँ, उदयपुर में, और यहाँ पर अध्यक्षता के लिए बुलाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा और महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया जिसका प्रारूप के एम मुंशी ने तैयार किया। तो जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया, के एम मुंशी ने, कि यहाँ पर जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। कोटा में जन आंदोलन, कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार चालू कर दिया और उनमें गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह जो है शुरू हो गया। तो यहाँ पर राजस्थान में जो जन आंदोलन हो रहा था इसमें सबसे ज्यादा जो इन्होंने प्रेरणा ली वो गांधी जी के जो आंदोलन थे उनसे इन्होंने प्रेरणा ली, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर जो है पंडित नैनू राम शर्मा जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। तो अब ये जो लाइनें जो भी आती हैं इनमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती होगी कि राजस्थान सेवा संघ क्या है। ठीक है, तो पता है आपको विजय सिंह पथिक जो हैं इसके क्या थे, संस्थापक। इन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया
1934 में हाड़ोती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर इनके साथ जो है पंडित अभिन्न हरि भी जो है इनके साथ हो लिए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन्न हरि मागरोल के रहने वाले थे। इन्होंने यह 1939 ईस्वी में कोटा राज्य की प्रजामंडल की स्थापना वहां की। इसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित नैनूराम ने की। ठीक है, स्थापनकर्ता अलग हैं, अध्यक्षकर्ता अलग हैं। तो अध्यक्षता जो है किसने की कोटा प्रजामंडल की, पंडित नैनूराम ने। अधिवेशन के स्वागता अध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए और 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित अभिन्न हरि ने की और इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक जो है ये भी भाग लेने आए। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनूराम की अज्ञात लोगों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इस समय पंडित जो अभिन्न हरि हैं तो पूरा जो भार है प्रजामंडल का, कोटा प्रजामंडल का, तो इनके ऊपर आ गया। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन्न हरि ने जो है आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में इनके साथ जो है कौन कौन थे, शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेड़ी माधव, श्रीमती वेड़ी माधव इत्यादि इनके साथ थे। 1945 ईस्वी में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हुए। इन्होंने जुलूस निकाले और आम सभाएं आयोजित की। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ लेकिन भीड़ ने शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कोटा की शहर पना के फाटक जो है वो बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सब सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई मदद ना आ सके। कोटा के दीवान सर हरिलाल घोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराव जो हैं भीम सिंह, इन्होंने पलायथा के सर ओमकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया और बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को भी दरबार से हटा दिया। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान, मजदूर, छात्र सब आ गए। जब देश आजाद हुआ तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे पूरे राजस्थान के क्या बन गए, उपराज प्रमुख बनाए गए। तो यहाँ पर कोटा में जो जन आंदोलन होता है, तो यहाँ पर जो पंडित नैनूराम शर्मा जो हैं वो पहले व्यक्ति रहते हैं जो यहाँ पर सबसे ज्यादा योगदान यहाँ करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, और 1934 में जो है हाड़ोती प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। और अभिन्न हरि जो है, पंडित अभिन्न हरि और नैनू राम शर्मा, ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इनके अगेंस्ट थे तो वो लोग पंडित नैनू राम शर्मा की क्या कर देते, हत्या कर देते हैं। और जिस वजह से जो पंडित अभिन्न हरि हैं उनके ऊपर पूरा जो है भार प्रजामंडल का आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी लोग जो है अब साथ हो जाते हैं। विद्यार्थी जो है वह भी इस आंदोलन में जो है शामिल हो जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं और बहुत सारी जो है आम सभाएं जो है वो आयोजित की जाती हैं। प्रदर्शनकारियों पर जो है लाठी चार्ज जो है वह किया जाता है। ठीक है, लास्ट में जो है कोटा के जो महाराव भीम सिंह जो हैं वो सहयोग करते हैं और यहाँ पर जो है कोटा के जो महाराव हैं भीम सिंह, तो वो क्या करते हैं, वो जो है समझौता कर लेते हैं और जो प्रधानमंत्री और जो आईजी पुलिस था उनको यहाँ से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, बूंदी में जन आंदोलन। बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले ही से ही दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेगार के विरुद्ध आंदोलन तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जो हमने किसान आंदोलन देखा था बूंदी का। ठीक है, तो पुलिस ने जो है किसानों पर अपना दमन चक्र जो है चालू किया। नवाणा गांव में बहुत अत्याचार किए जिससे आंदोलन में और अधिक तेजी आ गई। बूंदी के महाराव जो है वो ईश्वरी सिंह, इन्होंने आंदोलन को दबाने का जो है वो प्रयत्न किया। 1931 ईस्वी में कांतीलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। याद रखना है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जो है 1931 में हुई और अध्यक्षता किसने की, कांतीलाल ने। 1936 में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतीलाल और नित्यानंद ने इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को 3 साल के लिए राज्य से निकाल दिया गया, परंतु जब वे 1941 में वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर से आंदोलन
स्टार्ट किया। 1942 में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर जो है आंदोलन छेड़ दिया और समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वरी सिंह में भी परिवर्तन आया। इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की जो है नियुक्ति कर दी और भारत आजाद होने पर बूंदी भी जो है बृहद राजस्थान में शामिल हो गया। ठीक है, तो याद रखना है बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1931 में, और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, कांतिलाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए जयपुर में जन आंदोलन। तो हमने पढ़ा कि प्रजामंडल की जो स्थापना है, सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है, जयपुर में होती है 1931 में। ठीक है, जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश जो है वो अर्जुन लाल सेठी ने किया और इनके बाद जो है जमुना लाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रारंभ में इसका कार्य जो है समाज सुधार ही रहा, बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, कर्पूर चंद पाटनी, दौलतमल भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में इस दमन चक्र की भर्त्सना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई और 1939 में दोनों पक्षों में क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल को मान्यता मिल गई और सेठ जमुना लाल बजाज और अन्य कार्यकर्ता जो है रिहा कर दिए गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आपको इन बुक्स में मिलती हैं। इन बुक्स को पढ़े बिना आप लोग किसी भी कंपटीशन में ना बैठें। ठीक है, सबसे पहले इन बुक्स को पढ़ें, उसके बाद जो है कई बच्चों का क्या होता है कि इतना बोलने के बाद भी गाइड लेकर आते हैं। गाइड आप ले लेना, आपकी मर्जी हो, लेकिन इन बुक्स को पढ़ने के बाद यदि लेंगे तो उस गाइड का भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, गाइड लेने से, फैक्ट याद करने से वो इतना लंबे टाइम तक आप याद रख भी नहीं पाओगे। ठीक है, और इन बुक्स में बहुत सारे डेटाज आपके सामने आ रहे हैं, नाम भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जब हमने जो है 6 से लेकर हम यहाँ तक आए हैं, इन बुक्स को पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद भी हो गई हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आप जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जब आप इनको याद करोगे तब आपको इनका बेनिफिट मिलेगा कि चैप्टर पढ़ने से हमें कितना फ़ायदा हुआ, लंबे टाइम तक हमें जो है ये चीज़ें याद रही हैं। उसका कारण यही रहा है कि हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली है कि कौन सी स्टोरी में क्या कहा गया है। वो कहते हैं कि एग्जाम में जो है ये वाला क्वेश्चन तो हम तुक्के मार के लगा कर आए, तो उन्हीं लोगों का वो तुक्का भी सही जाता है जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि आगे पीछे सोच कर भी जो ऑप्शन है उन पर टिक लगाया जा सकता है। लेकिन चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, ऑप्शन इस तरीके से आ गए, तुक्के लगाते हैं तो वो तुक्के भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है कहानी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 1940 में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में जो है आंदोलन छेड़ा गया। तो जयपुर महाराज ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रहा। इस समय प्रजामंडल के दो वर्ग हो गए। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था और दूसरा जो है जिसका नेतृत्व हीरालाल शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में ही नहीं था। परंतु बाबा हरिश्चंद के गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया और दोनों में बातचीत के बाद जो है वो समझौता हुआ। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये कि 1942 को हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच में जो है समझौता होता है। ठीक है, तो वहां पर कौन कौन सी बातें आती हैं। युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी, एक तो ये बात होती है। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने में नहीं रोका जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करेगा और प्रजामंडल महाराज के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझौता होता है। इस समझौते के फलस्वरूप जन साधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा जो है वो समाप्त प्राय हो गई और शास्त्री समझौते के बावजूद
आजाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु वे गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू जो है वो जयपुर आते हैं, तो आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया। अब देखिए यहाँ पर जो बार बार आता है कि यह अधिवेशन तब हुआ, यह अधिवेशन वहाँ हुआ, इतने समय में हुआ, ठीक है, इतनी डेट को हुआ, तो ये चीज़ें आपको कैसे याद रहेंगी? देखिए बार बार मैं इस चीज़ को बोलती हूँ, चैप्टर को आप एक दो बार तो पढ़िए ही, एक बार पढ़ने पे कोई भी चीज़ जो है वो याद नहीं होती है। चैप्टर को एक दो बार पढ़िए, आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इसके फलस्वरूप 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया और जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर जो है वो विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई, तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित तो होंगे। लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया, तो उस समय प्रजामंडल का केवल एक ही सदस्य जो है वह लिया गया। जनता के दबाव में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरा लाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया, देवी शंकर तिवाड़ी, दौलतमंद भंडारी, टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तो जो राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ते हैं, तो उसी दिशा की ओर जो है वो जा रहे हैं। प्रजामंडल का उद्देश्य यही था, ठीक है, कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। महाराजा मानसिंह को राजस्थान का जो है राजप्रमुख बनाया गया, महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख, कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। अब कितनी बार जो है वो आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है, राजस्थान एकीकरण में आपने बहुत बार पढ़ी है, और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वहां पर जो है यही चीज आप पढ़ेंगे कि प्रजामंडल की जब स्थापना हो जाती है उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, राजस्थान का एकीकरण जो है उसी की बात हो रही है। अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य जो है पंडित हरि नारायण शर्मा ने किया। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की, खादी का प्रचार किया, जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जयसिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। तो इसके विरोध में जनता ने जो है एक आम सभा जो है वो आयोजित की। राज्य सरकार ने हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। अन्य प्रजामंडल की भांति अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की ओर है आंदोलन चालू किया। ब्रिटिश सरकार जो है ये नहीं चाहती थी कि हर जगह जो है ये उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाए, फिर उनका महत्व जो है वह कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो भी नेता होते थे, जो भी इसके लिए आवाज उठाते थे, लोगों को जागृति जो है उनके जो जागृति की जो भावना है उनके मन में पैदा करते थे, तो ऐसे लोगों को ये लोग गिरफ्तार कर लेते थे। फिर भी 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और अन्य प्रजामंडल की भांति अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की और आंदोलन चालू किया। 1940 में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने क्या किया? विरोध किया। इस पर हरि नारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया कि जो है राज्य द्वारा, अलवर राज्य जो है तो उसके द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित नहीं किया जाएगा। आम जनता ने भी इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रजामंडल ने आंदोलन आंदोलन किया। जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को दोबारा से दोहराया गया। फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया और कई गिरफ्तारियां दी। इसके बाद जून 1946 में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया। प्रजामंडल और सरकार में टकराव 1947 में भी चलता रहा, ठीक है।
अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए, इसके लिए अलवर के दीवान एन बी खरे को उत्तरदायी ठहराया गया और सरकार को यह संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे की मिलीभगत थी, अतः खरे को दिल्ली में रहने के आदेश दिए गए और मार्च 1948 में अलवर राज्य का जो है वो मत्स्य संघ में विलय हो गया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि 1948 में अलवर राज्य जो है वो किसमें मिलाया गया था, मत्स्य संघ में। ठीक है, मत्स्य संघ में जो है चार राज्य मिलाए गए थे। ठीक है, तो जिसमें एक था अलवर राज्य। तो किस तरीके से अलवर राज्य मिला ये आपको यहां पढ़ने को मिलता है। उसके बाद है भरतपुर में जन आंदोलन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे, तब तक जो भी पढ़ाया है इसको आप रिपीट करिएगा, पढ़िएगा, आपको जो है चीज़ें बहुत सारी जो है यहाँ पर समझ में आ भी रही हैं, पढ़ने में एक कहानी जो है वो बन रही है कि किस तरीके से जो है राजस्थान का एकीकरण हुआ और एक एक करके राज्य जो है किस तरीके से यहाँ पर मिलाए गए। ठीक है, किस तरीके से इन राज्यों ने संघर्ष किया, तो ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी, जब आप इन चैप्टर को पढ़ोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।